होपफुली तुम लोगों ने F7 दिया हुआ होगा तकरीबन कोई बैक 6 महीने पहले, सही है, ज़्यादा टाइम हो गया होगा. सो हाउ इट इज़ कनेक्टेड विथ F7? देखो ये तो फैक्ट है कि SBR जो है ना एडवांस पेपर है F7 का, सही है. और जब हम F7 की बात करते हैं तो आपने F7 के अंदर जो सिलेबस पढ़ा हुआ है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका SBR के अंदर एज इट इज इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, ठीक है. पूरा सिलेबस SBR के अंदर आता है और SBR के फिर अपने स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नए स्टैंडर्ड्स जो कि SBR में ही है, F7 में नहीं थे, और कुछ F7 के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि SBR में हाईली इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर एग्जामिन होते हैं. तो इसको हम पहले ज़रा एक बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि SBR पेपर है क्या, इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, और फिर आगे डिस्कस करते हैं. सो प्रोफेशनल पेपर्स में आपका ये जो पेपर है SBR, दैट इज़ इसका अगर हम कनेक्टिविटी बनाएं तो आपको यहाँ पर इसका एक रैशनल नज़र आ रहा है कि SBR स्टार्ट्स फ्रॉम आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है F3, फिर F3 का एडवांस F7 और F7 का एडवांस SBR, और SBR फिर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है किसके साथ, ऑडिट एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस के साथ. यानी कि SBR का पेपर पढ़ने के बाद आप P7 या एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. उसके लिए आपको उन तमाम स्टैंडर्ड्स की चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. तो ये भी किया जा सकता है बंदा कि अगर किसी ने F8 दिया उसके बाद उसने SBR दिया तो वो डायरेक्ट AAA एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर देते, ये भी हो सकता है, ठीक है. अच्छा जी, अब इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा P2 जब ये था और अब ये SBR बन गया है तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए. जब ये P2 में था तो उसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आता था और अब इसमें न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, सही. तो अब यहाँ पर ज़्यादातर क्या है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS और IFRS की एप्लीकेशन पर बात करते हैं. जो भी आपने प्रिंसिपल्स IAS और IFRS के सीखे होंगे उसकी आप यहाँ पर एप्लीकेशन साइट पे बात करेंगे. तब हम आ जाते हैं इस सिलेबस की मेन कैपेबिलिटीज, स्टूडेंट को पेपर पास करने के लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. सो मेन कैपेबिलिटीज पॉइंट नंबर ए, अप्लाई फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स टू एथिकल डायलेमाज एंड डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर. देखो पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अनएथिकल बिहेवियर को एड्रेस करना है. ACC का जो कोड ऑफ एथिक्स है तुमने पढ़ा हुआ होगा पेपर के अंदर, तो आप उस कोड ऑफ एथिक्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई गलतियां हैं, कोई गड़बड़ है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं, डायरेक्टर्स मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको एथिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे. और इस एथिकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एग्जाम में हमेशा एक सवाल आ जाता है, सही. उसके अलावा सेकेंड पार्ट इज इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड क्रिटिकली डिस्कस चेंजेस इन अकाउंटिंग रेगुलेशंस. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्रिटिकली इवेल्युएट करना. थर्ड चीज इज अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट इन द रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ रेंज ऑफ एंटिटीज. तो आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि रेशियो एनालिसिस और उसके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट वो भी प्रोवाइड की जाएगी, वो भी आपको डिस्कस करनी है. और वो आपको डिस्कस करनी है सिंगल एंटिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजरमेंट. इंडिविजुअल, ग्रुप, पब्लिक सेक्टर और नॉट फॉर प्रॉफिट. और उसके बाद जो मेन सिलेबस का फोकस है वो है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है SBR में वो है ग्रुप अकाउंटिंग. सेक्शन डी, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एंटिटीज. अब तुमने F7 में कितनी ग्रुप अकाउंटिंग पढ़ी है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ग्रुप अकाउंटिंग में F7 में आप लोगों ने एक सब्सिडरी पढ़ी होगी, एक एसोसिएट पढ़ी होगी और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, सही है. तो यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ी देर में ग्रुप अकाउंटिंग का आइडिया देता हूँ. यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा सब्सिडरीज होंगी, यहाँ पर आपके पास सब सब्सिडरीज होंगी, यहाँ पर आपके पास फॉरेन सब्सिडरीज होंगी, ग्रुप का कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, ज्वाइंट वेंचर्स होंगे. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड आपकी ग्रुप अकाउंटिंग है. और एक सवाल 30 मार्क्स का जो पहला आता है वो आपका ग्रुप अकाउंटिंग के ऊपर आता है हमेशा. इसका मतलब ये हुआ कि आपको SBR पास करना है तो आपको स्टैंडर्ड्स पे तो ग्रिप होनी चाहिए लेकिन आपकी ग्रुप अकाउंटिंग के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए,
ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर ई में इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड द पॉइंट नंबर एफ कम्युनिकेट द इंपैक्ट ऑफ चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस इन अकाउंटिंग रेगुलेशंस ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखिए आजकल ग्लोबली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आ रहे हैं, आईएएस जो है वो आईएफआरएस में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग आईएएस और आईएफआरएस है उसके अंदर एडवाइस की जाती है कि यार ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है और वो ट्रीटमेंट में एक रिवाइज्ड वर्जन सजेस्ट किया जाता है। तो उसके बारे में भी सिलेबस के अंदर हम डिस्कस करते हैं करंट इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं और दुनिया में आईएएस और आईएफआरएस के अंदर अमेंडमेंट्स की अगर कोई बात की जा रही है तो वो अमेंडमेंट्स अल्टीमेटली हैं क्या। सही। अब इसके बाद अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर लें तो दिस इज हाउ द सिलेबस विल बी एग्जामिन। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा सेक्शन ए, पेपर दो सेक्शन में डिवाइड होता है एसबीआर का, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास दो सवाल आएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला सवाल होगा 30 मार्क्स का, सही है, और दूसरा सवाल यूजुअली होता है 20 मार्क्स का, सही है। लेकिन ये टोटल जो सेक्शन ए है वो 50 मार्क्स का है। अब इस 50 मार्क्स के अंदर एग्जामिनर यूजुअली पहला सवाल 30 मार्क्स का बनाता है और दूसरा सवाल 20 मार्क्स का बनाता है, ठीक है। तो सेक्शन ए विल कंसिस्ट ऑफ टू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दैट विल टोटल 50 मार्क्स। द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप एंटिटीज और एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ and is also likely to require consideration of some financial reporting issues that is syllabus area C। यानी कि जो आपका पहला सवाल आएगा उसमें आपको ग्रुप अकाउंटिंग में गुडविल निकालना, एनसीआई निकालना, ये कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन वो आपसे पूछेगा और उसकी थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन भी पूछेगा और साथ साथ कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी साथ कनेक्ट कर सकता है। 30 नंबर की वेटेज ये हो जाएगी। उसके बाद उसके अलावा कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड दैट in addition to the consideration of the numerical aspect of group accounting which is maximum 25 marks, a discussion and explanation of each number will also be required. And the second question in section A will require candidates to consider the reporting implication and the ethical implication of a specific events in a given scenario. Yani ki aap samajhne aasan alfaz mein ki pehla jo question hai wo 30 number ka group accounting pe ho gaya aur agla jo question hai 20 नंबर का वो आपका एथिकल रिपोर्टिंग वगैरह के ऊपर आ जाएगा। सही। उसके बाद जब हम सेक्शन बी में जंप करते हैं तो सेक्शन बी में आपके पास दो क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने हैं और दोनों सिनेरियो बेस्ड या केस स्टडी या ऐसे बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उसके अंदर कैलकुलेशन प्लस थ्योरी यानी कि आईएएस और आईएफआरएस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर सवाल आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, ठीक है सर। तो क्या आईएएस याद करने पड़ेंगे? आईएएस आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, उसके जो मेन थीम है वो याद करनी पड़ेगी और कुछ आईएएस ऐसे हैं जो F7 के इंपॉर्टेंट हैं। F7 में तुमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, IFRS 9, IAS 32 जी, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर SBR। FBR में, SBR में IFRS 9 ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं। IFRS 9 सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है SBR का और एग्जामिनर बड़े अंदर से उसके मसले निकाल निकाल के पूछता है, घुमा घुमा के, उसकी इंपेयरमेंट के मसले, उसकी रिकग्निशन के मसले, बहुत सारे इश्यूज। इसी के साथ तुमने डेफर टैक्स पढ़ा था जी, डेफर टैक्स का तो F7 में स्लाइड आइडिया दिया गया था कि जी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिडक्टेबल क्या होते हैं, कैसे लाइबिलिटी बुक होगी, एसेट कैसे बुक होगा। यहाँ डेफर टैक्स हर आईएएस के साथ कनेक्ट हुआ होता है, इवन कॉन्सोलिडेशन में भी डेफर टैक्स घुसा हुआ होगा। तो आपको आईएएस 12 बहुत डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, IFRS 9 बहुत डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, IAS 37 पढ़ा होगा तुमने, प्रोविजंस, यहाँ प्रोविजन बहुत डेप्थ में आता है SBR के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे IAS हैं जो कि F7 के अंदर बहुत डिटेल में थे, यहाँ पर उसकी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती है, जैसे IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, IAS 38 इंटेंजिबल एसेट, IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पेपर क्या है, बेसिकली ये पेपर ये है कि आपको एक गिवन अकाउंटिंग इशू दिया जाएगा और मल्टीपल अकाउंटिंग इश्यूज दिए जाएंगे, आपको उनका कैलकुलेटिव और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि अगर रीवैल्यूएशन है फॉर एग्जांपल, तो व्हाट आईएएस 16 सेज अबाउट रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट और उस रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओसीआई में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, उसको रियलाइज कैसे करेंगे। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनली जनरेटेड एसेट्स हैं अंडर IAS 38 तो उसका ट्रीटमेंट, उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। इसी तरह अगर इम्पेयरमेंट है
तो एक इंडिविजुअल एसेट की इम्पेयरमेंट, फिर कैश जनरेटिंग यूनिट की इम्पेयरमेंट, उसकी फिर गुडविल की एलोकेशन का ट्रीटमेंट, सही है? यानी कि आईएएस और आईएफआरएस अगर कोई बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ेगा तो उसका एसबीआर पास होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सही है? F7 में तो आपने ऊपर ऊपर से आईएएस आईएफआरएस पढ़े, पेपर पास हो जाता है, सही है? यहाँ पर पेपर बगैर डेप्थ में जाए बगैर पास नहीं होगा, ये बात ध्यान में रहे, सही है? अच्छा जी, प्रोफेशनल मार्क्स पी सीरीज में स्टार्ट हो जाते हैं और हर क्वेश्चन में, हर सेक्शन में आपको प्रोफेशनल मार्क्स दिए जाते हैं। सो टू प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवार्डेड इन सेक्शन ए और दो प्रोफेशनल मार्क्स आपको मिलेंगे सेक्शन बी। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अगर आपको प्रोफेशनल मार्क्स लेने हैं तो आपको किस तरह से अपनी राइटिंग लिखनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, किस तरह से अपना स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। एक बड़ा मसला ये है कि करंट इश्यूज जो है ना पेपर में वो आते हैं और बाज़ दफ़ा करंट इश्यूज के ऊपर सवाल आते हैं और वो सवाल सेक्शन ए में पूछा जा सकता है और सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। अब करंट इश्यूज आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो करंट इश्यूज आजकल क्या चल रहे हैं और किस स्टैंडर्ड से रिलेटेड हमारे करंट इश्यूज नॉर्मली आ सकते हैं, ठीक है? अब हम सिलेबस की अगर बात कर लें, एक ब्रीफ सिलेबस की बात करें तो हमारे पास सिलेबस में, मैं इसको जरा थोड़ा सा हल्का हल्का ओवरव्यू दे देता हूँ। सिलेबस में हमारे पास जो ए पार्ट है दैट डील्स विद फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स। अच्छा, पहले ऐसा होता था, प्रीवियसली ऐसा होता था P2 के एग्जाम में कि स्टूडेंट पहले P1 पढ़ते थे विच इज एथिक्स, उसके बाद P2 देते थे या साथ साथ देते थे, तो उनका एथिक्स के ऊपर बड़ी अच्छी कमांड होती थी। अब आपका जो P1 और P3 है वो मर्ज होकर SBL बन चुका है, सही है? तो स्टूडेंट पहले SBR ऑप्ट कर लेते हैं, SBL बाद में ऑप्ट करते हैं, तो ये जो एथिक्स वाला सवाल आता है ना 20 नंबर का, ये सवाल नॉर्मली स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इसके ऊपर तो ऐसे प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो इस ए पार्ट के अंदर हमें प्रोफेशनल बिहेवियर, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। तुमने एक टर्म सुनी है, विंडो ड्रेसिंग? यस सर। और क्रिएटिव अकाउंटिंग? यस सर। सही है, तो क्या करते हैं? और ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, सब्सटेंस ओवर फॉर्म सुना होगा, ये तो लाजमी सुना होगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो क्या करते हैं डायरेक्टर्स अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन में कोई विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं, कोई क्रिएटिव अकाउंटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो अनएथिकल हो जाता है। उसको वो यहाँ पर कोई भी आपको इश्यू देकर एड्रेस करेगा, आपको उसके अनएथिकल इश्यूज बताने, ठीक है? कई ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि बदनामे जमाना है एज फार एज क्रिएटिव अकाउंटिंग इज कंसर्न। जैसे तुम लोगों ने IAS 17 पढ़ा है लीजिंग का, यस सर, IFRS 16 पढ़ा है लीजिंग का, 16 पढ़ा है, IFRS 16 पढ़ा है ना, तो लीजिंग के अंदर ये जो जो क्लासिफिकेशन होती थी ना ऑपरेटिंग लीज वर्सेस फाइनेंस लीज, इसके अंदर डायरेक्टर बड़ी गड़बड़ मचाते थे, उसको IFRS 16 ने एड्रेस किया है। इसके अलावा प्रोविजंस के अंदर बड़ी गड़बड़ होती थी, उसको IAS 37 एड्रेस करता है, सही है? जहाँ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ तो हम उसको एथिकल ग्राउंड के ऊपर जज करेंगे और हमारे एग्जामिनर को ये एक्सपेक्टेशन है कि हम अनएथिकल बिहेवियर को एड्रेस करना हमें आता है ए पार्ट के अंदर। फिर बी पार्ट के अंदर आप बात करेंगे दी एप्लीकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है आपका, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ISB का फ्रेमवर्क पढ़ा होगा तुम लोगों ने F7 के अंदर, ठीक है? अब वो फ्रेमवर्क चेंज हो चुका है, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन चुका है, उसमें काफी अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, एसेट की डेफिनेशन, ये लायबिलिटी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, उसको पढ़ेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स में बात करेंगे। उसके बाद ये तमाम स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने, रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ रेंज ऑफ एंटिटी। उसके अंदर देखें, अब मैं यहाँ पर मैं जो ये डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि रेवेन्यू IFRS 15 IFRS 15 पूरा रेवेन्यू, रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर SBR। नॉन करंट एसेट्स, इसमें IAS 16 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगा, जितने भी नॉन करंट एसेट्स को डील करने वाले IAS हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IAS 32, IFRS 7, IFRS 9, लीजेज IFRS 16, एम्प्लॉई बेनिफिट अ वेरी न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 19, पहली दफा एग्जामिनेबल है, तो SBR में ये लाइकली चांसेस होते हैं कि जो नए स्टैंडर्ड हैं उसके ऊपर एग्जाम में सवाल बनेगा। इनकम टैक्स IAS 12, प्रोविजन IAS 37, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट IAS 10, शेयर बेस्ड पेमेंट नया IFRS, IFRS 2, फेयर वैल्यू मेजरमेंट IFRS 13, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट रिपोर्टिंग की क्या होती है, एंड अदर रिपोर्टिंग इश्यूज। कोई IAS और IFRS छोड़ा नहीं है इसने SBR के अंदर, सारे इंक्लूडेड है, सही है?
लेकिन कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। जी जी बोले। ये एम्प्लॉय बेनिफिट तो टैक्स में था ना? एम्प्लॉय बेनिफिट टैक्स में नहीं था, एम्प्लॉय बेनिफिट आईएस 19 एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा जी, इसके अलावा फिर सेक्शन डी। अच्छा सेक्शन सी और डी, इसके बगैर तो पेपर पास होना ही नहीं है ना आपका, आईएस आईएफआरएस और ग्रुप अकाउंटिंग। ठीक है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एंटिटीज, ग्रुप अकाउंटिंग इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। अच्छा पहले ऐसा होता था कि आपको 35 मार्क्स का एक पूरा इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को दिया जाता था, अब वो तरीका चेंज हो गया, अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे। तो अब वही 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट या कैश फ्लो बनाने को नहीं दिया जाता, बल्कि उसका एक पार्ट आपसे पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वॉट टू रिपोर्ट इन एनसीआई अंडर इनकम स्टेटमेंट, वॉट टू रिपोर्ट एनसीआई इन बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व निकाल के देते हैं बैलेंस शीट में कितने जाएंगे, तो वो चंक्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछता है, रादर देन के पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। बट ऑफकोर्स हम जो प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस तरह से करेंगे कि हम पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाने सीखेंगे, पूरी बैलेंस शीट, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ताकि अगर हमसे कोई पार्ट पूछ लिया जाए तो उस पार्ट को हम इजिली एड्रेस कर सकते हैं। फिर इसके अंदर दूसरा इशू है एसोसिएट्स इन ज्वाइंट अरेंजमेंट। एसोसिएट तो तुम लोगों ने F7 में पढ़ा था, ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं पढ़ा था। ज्वाइंट अरेंजमेंट का एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS 11, उसमें एड्रेस करेंगे। अच्छा अहमद, आप ये जो अपना बैकग्राउंड वाला मसला ना, हेडफोन का, एक नया हेडफोन ले लेना अगली क्लास से पहले। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड तो नहीं हुआ अभी तक ना? जी दोबारा बोले। मैं कह रहा हूं PCS कंप्यूटर बेस्ड तो नहीं हुआ अभी तक। पी सीरीज मार्च या मई से प्लान्ड है, सही है, लेकिन अब वो कहां इंप्लीमेंट होती है, किस कंट्री में इंप्लीमेंट होती है, अभी डिफाइंड नहीं है। चांसेस ये हैं कि May 2020 में पी सीरीज जो है ना वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगी। सर तो अभी ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, अभी ये CBE नहीं है, अभी ये मैनुअल एग्जाम होते हैं। SBR का एग्जाम अभी मैनुअल होगा, जो आप नवंबर में दोगे और होपफुली जो मार्च में दोगे, ये मैनुअल एग्जाम होगा। ठीक है, सही है। तो इसके अंदर एक्सेल वर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ये कंप्यूटर बेस्ड होगा तो इसके अंदर MCQs नहीं आएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आ जाएगा। फिर आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे, अभी तो आप मैनुअली बनाओगे, हाथ से लिख के बनाओगे, लेकिन फिर आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक्सेल के अंदर और वर्ड में, और अगर आपको कोई इंटरप्रिटेशन करनी है तो उसको आप पावर पॉइंट में स्लाइड्स वगैरह बना के उसके अंदर दो। पेपर में? पेपर में नहीं, मैनुअली नहीं, कंप्यूटर बेस्ड, फिर पेपर नहीं होगा। अच्छा, अभी आप पेपर बेस्ड पेपर देते हो। ठीक है। अच्छा उसके बाद ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर चेंजेस इन ग्रुप स्ट्रक्चर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि अगर सब्सिडरी को बेच दिया जाए तो क्या होगा, अब आप ये डिस्कस करेंगे कि सब्सिडरी को अगर आहिस्ता आहिस्ता खरीदा जाए, स्टेप बाय स्टेप खरीदा जाए, तो कैसे अकाउंटिंग होगी। सब्सिडरी को अगर बेच दिया जाए तो कैसे अकाउंटिंग होगी। फिर फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन सब्सिडरी लाइक एक सब्सिडरी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, उसकी करेंसी USD के अंदर है, आप उसको कैसे कॉन्सोलिडेट करेंगे, सही। फिर सेक्शन ई की बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तुमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा था F7 में, सही, ये उसकी एडवांसमेंट है। ठीक है, उसके बाद The impact of changes and potential changes in accounting regulation. ये बात करता है आपका current issues की तरफ। Current issues जो भी चल रहे होंगे उस current issues पे हम बात करेंगे किसी भी standard से related, और फिर उसको देखेंगे कि वो current issues आपको किस तरह से hit करते हैं। अब detail syllabus की तो अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैंने आपको एक brief idea दे दिया कि आपका paper का syllabus में क्या क्या है। अब देखें ये कुछ नई changes हैं, amendment हैं जो इस दफ़ा आई हैं, जो कि पुराने syllabus के अंदर हैं। तो उसके अंदर आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिवाइज हो चुका है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज के ऊपर कुछ चेंजेस आई हैं, मटेरियलिटी की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस हैं, आईएस 19 में कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री में कुछ चेंज आया। ये चेंज स्पेसिफिकली, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो चेंज आया होता है ना, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस चेंज के बारे में एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाए, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो हमें चेंज पे भी फोकस रखना है, हमें देखना है कि चेंज अल्टीमेटली कितना आया है और कितना ज़्यादा जो ना वो चेंज आपको हिट कर सकता है। मैं आपको एक पेपर पैटर्न थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि एग्जाम में पेपर पैटर्न क्या हो सकता है और किस तरह का सवाल आ सकता है। सो आपको अब आपके सामने एक पेपर आपको नजर आ रहा होगा SBR का स्पेसिमेन, ठीक है? यस सर। इसमें देखें अब आपको नजर आ रहा है कि टाइम अलाउड है 3 hours and 15 minutes, 3 hours 15 minutes का ये पेपर है, ठीक है, जिसमें 15 minutes आपके जो है समझ लें आप रीडिंग टाइम समझ लें, ठीक है। और पेपर में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए में आपके दो सवाल आएंगे, दोनों कंपलसरी हैं,
सेक्शन बी में आपके पास दो सवाल आएंगे और दोनों कंपलसरी है, मींस आपके पास किसी भी किस्म की कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखें, ये आपका पहला सवाल जिसके अंदर आपको एक ग्रुप की फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है और उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है सब्सिडरीज के बारे में और इस तरह का एक बहुत लंबा सिनेरियो बेस्ड सवाल आया, ये सवाल चलता जा रहा है। अब आपके सामने रिक्वायरमेंट्स आ गई। पहली रिक्वायरमेंट उसने पूछी कि जी ये बता दें कि गुडविल निकाल के दे दें और उसको एक्सप्लेन करें, 10 नंबर का सवाल। फिर उसने अगली रिक्वायरमेंट के अंदर पूछा कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सब्सिडरी को बेच दें तो गेन और लॉस निकाल के देते हैं। फिर अगली रिक्वायरमेंट के अंदर उसने पेंशन स्कीम के बारे में पूछ लिया और प्रोविजंस के बारे में पूछ लिया। तो यहाँ पर उसने IAS 37 कनेक्ट कर दिया और IAS 19 कनेक्ट कर दिया, 7 नंबर का, ठीक है। तो 22 नंबर का उसने इस तरह से IAS और ग्रुप अकाउंटिंग पे पूछा और उसके बाद उसने पूछ लिया कि इक्विटी और लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉन्टिजेंट पेमेंट का क्या हुआ, ये भी ग्रुप अकाउंटिंग का मैटर है। यानी कि 30 नंबर का उसने कैलकुलेशन प्लस न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ज्यादा है, कैलकुलेशन के मार्क्स ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ग्रुप अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली, जबरदस्त तरीके से कवर कर ली, तो आपके कम से कम 20 से 25 नंबर अच्छे आ सकते हैं इसके अंदर, सही है। तो मैं स्टूडेंट को ये एडवाइस करता हूँ कि SBR में अगर आपको पास होना है तो SBR के अंदर आपकी ग्रुप अकाउंटिंग की प्रैक्टिस आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, सही है। तो पहली फुर्सत में आपको पता क्या काम करना है कि पहली फुर्सत में आपको अपनी F7 की कंसोलिडेशन रिवाइज करनी। अब ऑब्वियसली पढ़ाने वाले के लिए चैलेंज होता है कि वो अगर स्टूडेंट पीछे से कंसोलिडेशन का एक बैकग्राउंड लेकर आ रहा होगा ना, तो उसको आगे कंसोलिडेशन दिमाग में घुसाने में आसानी होती है। और अगर वो बैकग्राउंड बिल्कुल खाली है, गुडविल नहीं निकालना आ रही उसको, NCI नहीं निकालना आता, रिजर्व नहीं निकालने आते, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की एडजस्टमेंट, तो फिर वो SBR में बड़ा स्ट्रगल करेगा। अगर किसी को रिवीजन चाहिए होगा कंसोलिडेशन का तो मैं आपको अपने जो है ना वो F7 के लेक्चर्स के ऊपर एक्सेस दे दूंगा ग्रुप अकाउंटिंग के, तो आप वहाँ से प्रायर अपनी प्रैक्टिस करके उसको ज़रा अच्छा कर लें ताकि आपको एडवांस में मसला ना है। यस सर। अभी हमने डिस्कस किया कि 20 नंबर का सवाल एथिक्स के ऊपर आएगा। अब उसने ये देखें दूसरा सवाल बनाया, उसमें उसने एक अकाउंटिंग मसला डाल दिया रिलेटेड पार्टी का, रिलेटेड पार्टी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 24, और एक उसने डाल दिया सब्सिडरी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का, और एक मसला डाल दिया उसने गुडविल की इम्पेयरमेंट का। अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा आपसे, ये पूछ रहा है एथिकल एंड अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव सिचुएशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिपोर्टिंग अकाउंटेंट, 18 नंबर और 2 नंबर एथिकल प्रोफेशनल मार्क्स, 20 नंबर। अब आपको सबसे पहले एक मसला ये है कि स्टूडेंट को दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, उसको IAS की भी नॉलेज होनी चाहिए और ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि उस IAS के अंदर जो गड़बड़ हो रही है उसमें अनएथिकल क्या है। जब वो मिक्स करके डिस्कस करेगा तो उसको 20 नंबर लेने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद सेक्शन बी पे जंप करते हैं। अब सेक्शन बी का सवाल देखें, 25-25 नंबर के दो सवाल, किसी एक स्टैंडर्ड पे सवाल नहीं आएगा, पहली बात, सही है। इसमें आसानी भी है मुश्किल भी है, किसी एक स्टैंडर्ड पे सवाल आ जाता वो स्टैंडर्ड आपका वीक होता तो आप फंस जाते एग्जाम में, सिंगल स्टैंडर्ड पे सवाल नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, अब इस पार्ट ए में इसने पॉइंट नंबर 1 में 8 मार्क्स रखे और पॉइंट नंबर बी में 2 में इसने 7 मार्क्स रखे, और ये पूरा सवाल IFRS 13 के ऊपर बना हुआ है, यानी कि 15 नंबर का IFRS 13 का इसने क्वेश्चन पूछ लिया और उसके बाद पार्ट बी के अंदर उसने एक अलग मसला पूछा नंबर 10 नंबर का। तो इस तरह उसने 2 या 3 या 4 या 5 स्टैंडर्ड्स को मिलाकर 25 नंबर कवर कर लेगा एग्जामिनर। इसी तरह अगले उसके ऊपर आए तो उसने रिमेनिंग जो 25 नंबर कवर किए उसके अंदर उसने करंट इश्यूज के अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के करंट इश्यूज के ऊपर 17 नंबर पूछ लिए और उसके बाद उसने एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर 8 नंबर का सवाल पूछ लिया और 25 नंबर बना दिए। लेकिन एग्जाम में तो स्पेसिमेन है ना, एग्जाम में ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि एग्जामिनर किसी एक या दो स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल नहीं पूछता, एग्जामिनर की कोशिश होती है कि वो तकरीबन हर सवाल में 4 या 5 स्टैंडर्ड्स पूछ ले आपसे। तो ओवरऑल वो जो 2 सवाल बचे हुए हैं सेक्शन बी में उसमें वो कोशिश करके 8, 9, 10 स्टैंडर्ड छोटे छोटे करके भी आपसे पूछ सकता है या फिर स्पेसिफिकली 4 या 5 स्टैंडर्ड्स पूछ लेगा। अब किसी स्टूडेंट ने अगर वो स्टैंडर्ड नहीं पढ़े हुए हैं तो उस स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और वो अच्छी तरह से उसके एथिकल या अकाउंटिंग इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकता। अब आपको एक नई वीडियो, एक नई विंडो नजर आ रही, कहाँ सर? हाँ ये
चेंज हुआ आपके पास। अब इसमें देखें, मैंने यहाँ पर इसके अंदर बताया हुआ है कि SBR के अंदर F7 के मुकाबले में नए इश्यूज क्या क्या आते हैं और इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि F7 और SBR वाले मिलाकर अल्टीमेटली क्या बने। ठीक है, तो हमारे पास जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नया है, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी कि आप अपने वर्कर को जो सैलरी और फ्यूल बेनिफिट, कार बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट्स वो सारे देते हैं, उसको कैसे एड्रेस करेंगे। फिर एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेयर बेस्ड पेमेंट्स, कि अगर एम्प्लॉई को शेयर ऑप्शंस दिए जाते हैं या डायरेक्टर्स को शेयर्स दिए जाते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर IS-24 न्यू स्टैंडर्ड रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइंट अरेंजमेंट कंसोलिडेशन के अंदर और रिपोर्टिंग के अंदर जो भी करंट इश्यूज प्रीवेल कर। लेकिन अब साथ साथ अगर हम एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड की बात करूँ तो F7 में हमने IFRS 9 पढ़ा हुआ है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ जो हमें SBR में पढ़ना होगा। इसके अलावा पेंशन बेनिफिट्स IS-19, IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, IS-16 F3 से पढ़ता हुआ आ रहा है स्टूडेंट। F7 में भी इम्पॉर्टेंट, SBR में भी इम्पॉर्टेंट, इंटेंजिबल एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करेंट एसेट, प्रोविजन्स, डेफर्ड टैक्सेशन, IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन, 16 लीजिंग, IFRS 5 एसेट हेल्ड फॉर सेल, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट और IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये मेरे नज़दीक कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके सामने आते हैं यूजुअल। अब आ जाते हैं ग्रुप अकाउंटिंग के ऊपर। अब ग्रुप अकाउंटिंग में तुम लोगों ने जो F7 लेवल के ऊपर ग्रुप अकाउंटिंग पढ़ी उसके अंदर जो ग्रुप स्ट्रक्चर आता था, ए ने बी के 60% शेयर्स एक्वायर कर लिए तो ए पैरेंट कंपनी बन गई, बी सब्सिडरी बन गई, कंसोलिडेशन कर ले हम, ठीक है। और उसके बाद एक एसोसिएट वाला ट्रीटमेंट आ जाता था कि आपने 20% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए तो ये आपकी एसोसिएट बन गई। इस एसोसिएट के लिए आपने इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट पढ़ा होगा, याद है कुछ या सब भूल गए? नहीं सर, याद है। याद है ना? जी, F7 तो अच्छा क्लियर हुआ। अच्छा जी, अब जब हम SBR के अंदर जाएंगे ना तो SBR के अंदर आपका एक जो नया मसला आपके सामने आएगा वो है स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने 1st जनवरी 2016 को 40% शेयर्स खरीदे कंपनी के, क्या ये सब्सिडरी बनी? और ये सर एसोसिएट है? ये सब्सिडरी नहीं है, ये एसोसिएट है, ठीक है। फिर आपने 1st जनवरी 2017 को उसी कंपनी के 20% शेयर्स खरीद लिए, बन गई सब्सिडरी। इसको कहते हैं स्टेप एक्विजिशन। इसको कैसे हैंडल करेंगे? सही, इसी तरह डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। तो आपने 1st जनवरी 2016 को एक कंपनी के 80% शेयर्स एक्वायर किए, सब्सिडरी बन गई। यस सर। इसको हम अकाउंट फॉर कर रहे थे, सब्सिडरी बनाकर चल रहे थे, ग्रुप अकाउंटिंग हो रही थी, हमने इसमें से 30% शेयर्स बेच दिए। अब क्या होगा? अब 50% तो है ना सर अभी। अब सब्सिडरी बिकम्स लेकिन ये जो केस मैंने बताया, इट इज अ केस ऑफ कि डिस्पोजल हुआ सब्सिडरी का तो सब्सिडरी एसोसिएट बन गई। या ये भी हो सकता है कि आपके पास 80% शेयर्स थे, आपने उसमें से 60% शेयर्स बेच दिए, अब ये ना सब्सिडरी बनी ना ये एसोसिएट हुई, ये सिंपल इन्वेस्टमेंट बन गई और ये इन्वेस्टमेंट कवर होगी अंडर IFRS 9। कुछ याद है IFRS 9 के बारे में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में? सर अभी तो खास याद नहीं है। ये पढ़ा होगा तुमने, दो कैटेगरीज होती हैं, एक FVPTL होती है और एक FVTPL होती है और एक FVTOCI होती है। ये इन्वेस्टमेंट की तुमने दो कैटेगरीज पढ़ी होंगी, शायद याद आ जाए। यस सर, ये FVTPL थोड़ी याद है। और ये याद होगा कि फेयर वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और फेयर वैल्यू का जो चेंज आता है उसका गेन या लॉस कुछ केसेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है और कुछ केसेस के अंदर OCI के अंदर जाता है। ये तुमने F7 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पढ़ा होगा। खैर,
नहीं भी पढ़ा नहीं भी याद, कोई मसला नहीं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया स्ट्रक्चर, ये तुमने टैक्स में पढ़ा होगा कि एक कंपनी ने 80% शेयर्स एक्वायर किए और उसकी जो सब्सिडरी थी उसने एक और कंपनी में 60% शेयर्स एक्वायर कर लिए। जी सर। तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो सी है जो तुमने उसमें पढ़ा था सीजीटी के अंदर पढ़ा था, ये सी जो है ये सब सब्सिडरी बन गई। अब F7 के अंदर तो तुम्हें सब्सिडरी की अकाउंटिंग सिखाई गई थी ना कि ए बी को कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अब तुम्हें यहाँ सिखाया जाएगा कि ए बी को भी कंसोलिडेट करेगा और सी को भी कंसोलिडेट करेगा, तो सब सब्सिडरी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सही है। इसी तरह आपको ये बताया जाएगा कि आपके पास एक कंपनी है ए जिसकी रिपोर्टिंग करेंसी है PKR और एक कंपनी है बी जिसकी रिपोर्टिंग करेंसी है USD। सही है। और बी ने 60% शेयर्स एक्वायर कर लिए ए के, तो ये जो बन गई आपके पास ये बन गई फॉरेन सब्सिडरी। तो आपको ये सिखाया जाएगा कि फॉरेन सब्सिडरी को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो IS-21 में आपको ट्रांसलेशन के रूल सिखाए जाएंगे और उस ट्रांसलेशन पे जो एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा उस एक्सचेंज गेन और लॉस का ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, उसकी कंप्यूटेशन सिखाई जाएगी। ये आपका एक नया एरिया है। ठीक है। और इसके साथ फिर आपके पास तुमने IS-7 में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है। बनाने आता है तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे किसका, ग्रुप का, यानी कि तुम्हें ग्रुप का इनकम स्टेटमेंट दिया जाएगा, ग्रुप की बैलेंस शीट दी जाएगी और उससे तुम ग्रुप का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे। वेरी वेरी सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत सिंपल है, इजीली बन जाता है। लेकिन बाद दफा पूरा का पूरा 30 नंबर का सवाल कैश फ्लो बेस्ड हो सकता है। तो सर ये अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात भी बुरी बात है। देखो SBR टाइप का जो पेपर है ना उसके अंदर आप ऊपर ऊपर से पढ़कर पेपर पास नहीं कर सकते। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको कंसोलिडेशन की भी डेप्थ में जाना पड़ेगा, वरना आपका पेपर पास होना इंतहाई नामुमकिन है। वेरी चैलेंजिंग पेपर, IAS के अंदर से घुसा घुसा के ट्रीटमेंट पूछे जाते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहूँ IAS-16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, अब मैं तुमसे ये कोई कहूँगा डेप्रिसिएशन निकाल के दो, मैं तुमसे कहूँगा ओवरहॉलिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है। ओवरहॉलिंग क्या होती है? अब ओवरहॉलिंग एक ऐसा इशू है जो कॉम्प्लिकेटेड है IAS-16 के अंदर। सही है। मेंटेनेंस वगैरह, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ओवरहॉलिंग कवर होता है। अब आपका आपको F7 में जो आपने IAS-16 पढ़ा उसे थोड़ा सा एडवांसमेंट दिखानी पड़ेगी, ओवरहॉलिंग के ऊपर जाना पड़ेगा, ओवरहॉलिंग किस तरह से होती है। इसी तरह अगर मैं IAS-37 की बात करूँ प्रोविजंस की, सही है, तो मैं नॉर्मली पूछूंगा प्रोविजन की डबल एंट्रीज क्या होती है। मैंने आपको ले गया ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मैं छुपा छुपा के जो अंदर के एलिमेंट्स है ना उसको पूछूंगा कि किस तरीके से। तो हमें हर अकाउंटिंग इशू को एड्रेस करना है। सिंपल सिंपल नहीं कि एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट और PNL क्रेडिट, वो तो अल्टीमेटली नॉलेज हमें चाहिए F7 वाली, वो तो हमें अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि F7 में IAS-16 के अंदर आपको बताया गया कि जी एसेट को बैलेंस शीट में रिकग्नाइज कब करते हैं, इसका पूरा ट्रीटमेंट आपको पता है। आपको पहली मरतबा एसेट को बैलेंस शीट में किस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वन मिनट जस्ट अ मिनट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किसके ऊपर होती है शायद तुम्हें याद आ जाए थोड़ा थोड़ा। कॉस्ट मॉडल होता था एक, यस सर, और एक रीवैल्यूएशन मॉडल होता था। देखो F7 में और SBR में ना बहुत डिफरेंस है। F7 तो हंसते खेलते पास हो जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऊपर ऊपर से टीचर पढ़ा देते हैं, आप लोग भी पढ़ लेते हैं, ग्रुप अकाउंटिंग पे सवाल आ गया, फाइनल अकाउंट कर लिया, कैश फ्लो कर लिया, रेशो का 20 नंबर का सवाल आ गया, बहुत हंसते खेलते पास होता है F7। लेकिन SBR जब तक आप IAS के अंदर डेप्थ में नहीं जाओगे SBR भूल जाओ, पास नहीं कर सकते। आपको खोद के निकालना पड़ेगा अकाउंटिंग इशू कि IAS-16 में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, IAS-37 में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और नॉट ओनली कॉम्प्लिकेशंस, अगर उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कोई करंट इश्यूज में डिबेट चल रही है
तो आपको उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है कि यार ये ऑपरेटिंग लीज को अगर हम फाइनेंस लीज वाला ट्रीटमेंट देंगे तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या मसले मसाइल शुरू होंगे, क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। सही, सो आइडिया क्लियर हुआ?